माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज हम बना रहे हैं बैंगन का भुरबा। ठीक है, चार बैंगन। ये देखें, बैंगन आप जब भी लें भुरते के लिए, गोल वाले लिए लीजिएगा, लेकिन देखिएगा कि बैंगन जो होता है वो हल्का होना चाहिए, ज़्यादा बारी बैंगन नहीं होना चाहिए। हम इसको रखेंगे चूल्हे पे, हल्की आंच पे रखेंगे, इतनी आंच हो कम से कम कि ये अंदर से पक जाए सारे। ठीक है, हम इधर रखेंगे, ये साथ ऐसे रखेंगे। इसकी आंच थोड़ी तेज है, इसकी आंच भी कम कर, बस ये देखिए इतनी आंच पे रखना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से गल जाए। थोड़ा तो टाइम लगता है, मैंने खैर है इनको अच्छे, ये देखिए कितने सख्त होते हैं ये, अच्छे तरीके से जितने ये अच्छे तरीके से गलेंगे उतना इनका टेस्ट मज़ेदार होगा। तो चलिए आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए बैंगन हमारे अच्छे तरीके से गल गए, इतने ही गलने चाहिए। देखें कितने नरम होगा, थोड़ा सा गर्म है। अब हम इसकी स्किन जो है ये ऐसे हटा देंगे। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका हट जाता है। देखिए इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मैंने तीन इस प्लेटर में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये तीन मैंने कर लिए हैं इधर, तो इसको मैं करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सारे छिलके हमने हटा दिए, अभी कांटे की मदद से हम इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए एक बैंगन ऐसे, एक एक कोई कीजिएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये मैं सारे कर लेती हूँ, फिर हम किचन में चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया, और ये दो प्याज है और ये दो छोटे टमाटर हैं। टमाटर से मैंने छिलका हटा दिया था, और ये दो चम्मच दही है। दही के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि दही क्यों ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। और ये लहसुन और हरी मिर्चें, पेस्ट बना लिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्चों का। और ऑयल मैंने रखा है, ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल इसमें प्याज ऐड करते हैं। मसाले मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। प्याज जैसे होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज हो गई है, अब हम इसमें ये पेस्ट निकाल रहे हैं। इसमें मैं चटनी पीस लूंगी। ये दो चम्मच दही है, अच्छा दही का रीज़न जो है, दही मैं इसमें क्यों ऐड करती हूँ, दही में, दही की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसमें दही इसलिए ऐड करूँगी जो बैंगन की तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर एक किलो बैंगन है तो उसमें दो स्पून मैं लाजमी दही ऐड करती हूँ, एक किलो में दो स्पून भी बराबर होती है, क्योंकि बैंगन की तासीर बहुत गर्म होती है इसलिए इसमें दही ऐड की जाती है। अगर आपके पास दही नहीं है तो
दूध की जो बलाई होती है सिर्फ एक स्पून, दूध की बलाई सिर्फ एक स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बाउल में डाला दही और दही को ऐसे किया, ऐसे ही आप दूध की मलाई एक स्पून डाल के इसको ऐसे अच्छे तरीके से करके, एक स्पून से ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि बैगन बहुत गर्म होते हैं। जैसे हम यखनी बनाते हैं सर्दियों में कि चलो सर्दी है यखनी बना लेते हैं पी लेते हैं, थोड़ी सी बॉडी में जो है ना गर्माइश हमारी आ जाएगी, तो अलग अलग चीज़ें होती है। ये अगर आप किसी सर्दी वाले इलाके में बनाते हैं जहाँ ठंड होती है तो वहाँ भी आप दही लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे ये इतनी सी गर्माइश होती है कि मुंह में चाले पड़ जाते हैं, इसलिए इसमें दही आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और ये देखें टमाटर के, जैसे मैंने आपको बताया दो टमाटर हैं उनसे मैंने छिलके हटा दिए थे, इनको भी मैंने चूल्हे पे रखा था, जब इनकी स्किन हटने लगी तो मैंने हटा दिया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, आज मैं कम कर देती हूँ, आपको मसाले बताती हूँ। ये एक स्पून और ये डेढ़ स्पून, एक भरा हुआ स्पून, बस एक भरा हुआ स्पून ही आप ऐड कर दीजिएगा। और हल्दी इतनी सी, थोड़ी सी, इस चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी का डालना, नमक हस्बे मुताबिक। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। तकरीबन एक मिनट में मसाले को अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए और सारा मसाला एक जान हो जाए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। में पानी होता है तो ये दही का पानी इसमें थोड़ा सा मसाले में डालने से दही का जो पानी होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसको मैं ढकना लगा के 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊंगी ताकि सब कुछ यकजान हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये साथ साथ मैंने सैलेड भी बना लिया, हमारा सैलेड भी रेडी हो गई। ये देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक मिर्चें हैं, ये देखिए, ये देखें। मैं इसको भूनती हूँ ढकना लगा के
फिर आपको 3 से 4 मिनट रखूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम इसका ढकना हटाते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर साइडों पे आना शुरू हो गया। नमक देखते हैं, नमक थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी। तो देखिए हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर वही बात जो मैं आपको बार बार याद करवाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले।